हाय एवरीवन, वेलकम टू कैम क्लासेस। देखो, हम बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम शुरू करते हैं लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल ने रदरफोर्ड मॉडल की बहुत सारी लिमिटेशंस को ओवरकम कर दिया था, उसकी बहुत सारी कमियों को दूर कर दिया था, लेकिन फिर भी बोहर एटॉमिक मॉडल की खुद की भी कुछ लिमिटेशंस थी, जिसके बाद फिर ये मॉडल भी फेल कर दिया गया। और उसके बाद आया था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। लेकिन हम पहले देखते हैं कि क्या क्या लिमिटेशंस थी बोहर एटॉमिक मॉडल की। पहली लिमिटेशन थी, दिस मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अलावा दूसरे एटम्स के स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे हाइड्रोजन के बाद ही आता है हीलियम, जिसमें सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये उसके एटम को, उसके मॉडल को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसके स्पेक्ट्रम को, हीलियम के स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे अगर हम हीलियम प्लस ले, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, या जैसे लिथियम 2+, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो है उन, सिर्फ उन्हीं के स्पेक्ट्रम को इसने एक्सप्लेन किया, यानी इसने एक्सप्लेन किया सिर्फ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, सिर्फ इन्हीं के स्पेक्ट्रम को इसने एक्सप्लेन किया था। और अगर किसी में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उस पर्टिकुलर एटम के स्पेक्ट्रम को बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेकेंड लिमिटेशन है, बोहर थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमने पढ़ी थी लाइमन बाल्मर पर्सन सीरीज, जो हाइड्रोजन एटम में हमने ये स्पेक्ट्रल लाइंस देखी थी, तो ये क्या है कि ये लाइंस मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग हो जाती है, एक लाइन का डबलेट शो होने लगता है, वो बहुत क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, मतलब उनके बीच की जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा कम होती है और डबलेट होता है, इन लाइन्स का डबलेट होता है। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग होती है उसको बोलते हैं जीमन इफेक्ट, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। हमें इन इफेक्ट के डीप में जाने की नीड नहीं है, अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हम आगे क्लासेस में देखेंगे, पर अभी सिर्फ इतना समझ लें कि बोहर थ्योरी इन इफेक्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। बोहर थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। थर्ड और लास्ट लिमिटेशन है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड। इसने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि क्यों जो एटम्स है वो मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं और उनके बीच में किस तरह का बॉन्ड होता है, कैसे कंबाइन करते हैं। जैसे हाइड्रोजन है वो इस फॉर्म में कभी नहीं रहता, एटॉमिक फॉर्म में, ये हमेशा दो हाइड्रोजन आपके एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं, और हाइड्रोजन H2 फॉर्म में होता है। ऐसे ही ऑक्सीजन है वो O2 फॉर्म में होता है, तो किसी के बीच में सिंगल बॉन्ड, किसी के बीच में डबल बॉन्ड, इनके बीच में केमिकल बॉन्ड, और ये क्यों बनता है इसकी एबिलिटी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया बोहर एटॉमिक मॉडल। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस थी जिनको ओवरकम किया गया बाद में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के द्वारा। जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम था उसमें दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था इसको एक्सप्लेन करने में। टू इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जिनमें से एक है ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड सेकेंड वन इज हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये दो ऐसी खोज थी, डेवलपमेंट्स थी, जिन्होंने इस मॉडल को अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो आज हम पढ़ेंगे ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। हम ड्यूअल बिहेवियर ऑफ रेडिएशंस के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि जो रेडिएशंस होती है उनके पास वेव नेचर भी होता है, वो वेव की तरह भी प्रोपेगेट करती है, रेडिएशंस के पास वेव नेचर होता है, और सेकेंड इनके पास पार्टिकल नेचर भी होता है। रेडिएशंस आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, दे आर मेड अप ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। एक पार्टिकल को बोला गया पैकेट ऑफ एनर्जी, और इसका नाम दिया गया था फोटोन। फोटोन जिसकी एनर्जी होती है, फोटोन की एनर्जी होती है E इक्वल टू एच न्यू। फ्रीक्वेंसी उस वेव की, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड एच इज द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। ये हम पहले पढ़ चुके हैं प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, यहाँ पे सी और आएगा। तो रेडिएशन के का ड्यूअल बिहेवियर होता है, वो वेव की तरह भी प्रोपगेट करते हैं, उनका पार्टिकल नेचर भी होता है। तो डी ब्रोगली ने, एक साइंटिस्ट फ्रेंच फिजिस्ट था डी ब्रोगली, उसने 1924 में ये लॉ दिया। उन्होंने कहा कि जैसे रेडिएशंस का ड्यूअल नेचर होता है कि वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करते हैं, उनका वेव नेचर भी होता है, उसी तरह मैटर का भी ड्यूअल नेचर होता है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, जस्ट लाइक रेडिएशंस, मैटर ऑल्सो एग्जिबिट ड्यूअल बिहेवियर, बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज। जैसे मैटर क्या होता है, मैटर हम किसको कहते हैं, एनीथिंग विच हैज मास, जिसका मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे उसे हम मैटर कहते हैं।
तो उनका जो एनीथिंग जो जिसका अपना एक मास है उसका पार्टिकल नेचर तो है ही, लेकिन साथ में वो वेव लाइक प्रॉपर्टीज भी शो करता है। अपने इस एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे डी ब्रोगली ने एक इक्वेशन दी, एक रिलेशन बताया बिटवीन वेवलेंथ एंड मोमेंटम, मोमेंटम और वेवलेंथ के बीच का एक रिलेशन बताया। मोमेंटम क्या होता है, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसका मास एम है और जो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मूविंग ऑब्जेक्ट जिसका मास एम है उसका मोमेंटम होता है पी, पी इज इक्वल टू एम वी। तो मोमेंटम यानी उसके पास उसका मास है यानी वो एक पार्टिकल है, और वेवलेंथ की वो एक वेव है। तो मतलब वेव नेचर से लिया वेवलेंथ और पार्टिकल नेचर से लिया मोमेंटम, इन दोनों के बीच एक रिलेशन दिया जिसको डी ब्रोगली इक्वेशन बोला जाता है। इसने कहा लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, एच बाई पी, वेयर एच इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ पे एम है मास ऑफ पार्टिकल, वी हैव वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जिस वेलोसिटी से पार्टिकल मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, एच की तो वैल्यू है 6.626 × 10⁻³⁴ J/s, और लैम्डा है वेवलेंथ। तो ये रिलेशन दिया था डी ब्रोगली ने, इसको डी ब्रोगली इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पे लैम्डा को डी ब्रोगली वेवलेंथ ही बोला जाता है। डी ब्रोगली की ये जो प्रिडिक्शन थी कि मैटर के पास ड्यूअल बिहेवियर होता है, वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और उसका वेव नेचर भी होता है, ये प्रिडिक्शन कंफर्म हो गया एक्सपेरिमेंटली व्हेन इट इज व्हेन इट वाज फाउंड दैट एन इलेक्ट्रॉन बीम अंडरगो डिफ्रेक्शन। डिफ्रेक्शन एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसा फिनोमिना है जो वेव शो करती है। ये क्या है कि जब भी इस ये कहते हैं डिफ्रेक्शन के अकॉर्डिंग क्या है कि जब भी लाइट किसी ऑब्स्टेकल से पास होती है तो उसके कॉर्नर से टकरा के बैंड हो जाती है, कॉर्नर से टकरा के बैंड हो जाते हैं। मान लो ये एक स्लिट है इस तरह से, यहाँ से लाइट जा रही है, इसके कॉर्नर से टकरा के ऐसे बैंड हो जाती है। इस फिनोमिना को बोलते हैं डिफ्रेक्शन, जिसको आप फिजिक्स में अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे। तो ये जो डिफ्रेक्शन फिनोमिना है ये वेव शो करती है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक मैटर है, क्योंकि इसका मास होता है इलेक्ट्रॉन का 9.11 × 10⁻³⁰ किलोग्राम। तो इलेक्ट्रॉन एक मैटर है, इलेक्ट्रॉन बीम ने डिफ्रेक्शन शो किया यानी मैटर है और वो वेव प्रॉपर्टीज भी शो कर रहे हैं। तो ये इसका जो प्रिडिक्शन थी डी ब्रोगली की, ये कंफर्म हो गया एक्सपेरिमेंटली जब इलेक्ट्रॉन बीम ने डिफ्रेक्शन शो किया। डी ब्रोगली ने कहा था कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ही नहीं, जो ऑर्डिनरी पार्टिकल्स भी होते हैं नॉर्मली, मान लो कि एक बॉल, मूविंग बॉल जो क्रिकेट बॉल है वो, या फिर कोई बर्ड फ्लाई कर रहा है, या एक कार मूव कर रही है रोड पे, मतलब हर ऑब्जेक्ट का ड्यूअल बिहेवियर शो करता है। उसके पास पार्टिकल नेचर भी होता है, उसके पास वेव नेचर भी होता है, बस उनकी जो वेव लेंथ है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है, उनकी जो वैल्यू बहुत कम होती है, क्योंकि इनका जो मास है, मास बहुत ज़्यादा हो जाता है, मास और वेव लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मास की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो वेव लेंथ कम हो जाती है। तो बस इनके केस में जो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज है उनके केस में मास ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए वेव लेंथ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो उनके केस में हम ये नेग्लेक्ट कर के चलते हैं कि उनका वेव नेचर नहीं होता, लेकिन एक्चुअल में वेव नेचर हर पार्टिकल का होता है, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो या माइक्रोस्कोपिक हो। अब इलेक्ट्रॉन्स के केस में अब इनका मास इतना कम है, मास बहुत ज़्यादा कम है, तो इनके केस में जो वेवलेंथ है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। और जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है लाइक लार्ज बॉडीज जैसे क्रिकेट बॉल हो गई, या फिर हम इंसान ही हो गए, हम मूविंग ह्यूमन बींग्स, या फिर कोई भी इंसान, कोई भी थिंग, कोई भी मैक्रोस्कोपिक बॉडी जो मूव कर रही है, क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा कम होती है, तो इसको एक्सपेरिमेंटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। पर होता सभी के पास है, हर मैटर के पास होता है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। अब इस न्यूमेरिक इस एक्स फॉर्मूला के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करके देखते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, डी ब्रोगली इक्वेशन के बेसिस पे फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द वेव लेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2.05 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। हमें वेलोसिटी गिवन है 2.05 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। अब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता होना चाहिए 9.11 × 10⁻³⁻³ किलोग्राम, ये गिवन है। और इसकी वेवलेंथ निकालनी है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे तो लैम्डा हो जाएगा एच की वैल्यू 6.626 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड, जूल सेकेंड में वैल्यू होती है ये, अपॉन मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 × 10⁻³⁹ किलोग्राम, वेलोसिटी
2.05 × 10^7 मीटर पर सेकंड। ये हमने वैल्यूज पुट कर ली। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे। इसको एक तरफ लिख लिया 6.626 × 9.11 × 2.05, और पावर्स को अलग से लिख लिया। 10^-34 है, -31 है ऊपर जाएगा +31 हो जाएगा, 7 प्लस है ऊपर जाकर -7 हो जाएगा। ये हो गया। अब हम इसको अलग से सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए इसको पहले थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। मैं इसको ऐसे लिख सकते हूँ 6.6, इसको 9.1 को लगभग 9 लिख लिया और इसको लिख लिया 2, अप्रोक्सीमेट 2.05 को 2 कर लिया, राउंड ऑफ कर लिया, तो ये हो जाएगा 2, 3 6.3, ऐसे हो गया। ये इसे कट जाएगा फिर 3 से 3, 1 3, 3 3, 3 3 9, तो हमारे पास कुल मिला के 1.1/3 आया है। तो हम 11/3 निकाल लेंगे क्या होता है, तो ये हो जाएगा 3 3 9, 3 6 18 और फिर 3 6 18, तो और ये क्योंकि यहाँ पे भी पॉइंट था, तो हो जाएगा 0.366। इस तरह से आंसर आएगा ये, तो ये हमारे पास आएगा कुल मिला के 0.366 × 10^-34 − 34 + 31 − 3 − 7 − 10। ये हो गया। अब ये आया किस में है, ये मीटर में आता है। और ये कैसे आता है, देखो ये एक बार ये भी देख लो, ये है जूल सेकंड, ऊपर जूल सेकंड है, नीचे है किलोग्राम और मीटर पर सेकंड। आप ऐसे मत काट देना पर सेकंड से सेकंड, ये तब करता है जब दोनों मल्टीप्लाई में हो। अब ये माइनस पावर ये तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, तो सेकंड का स्क्वेयर हो जाता है, ये कटते नहीं है ऐसे। अब एक बात और देखो, एनर्जी होती है जूल, जूल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जूल इक्वल होता है किलोग्राम मीटर स्क्वेयर पर सेकंड स्क्वेयर के, ये एक बात याद रखनी है। और ये आई कहाँ से है, ये आई है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है, ये याद रखना, हाफ एम वी स्क्वेयर। तो ये काइनेटिक एनर्जी एनर्जी की होती है जूल, ये हाफ को तो इग्नोर कर दो, मास की होगी किलोग्राम और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड और इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगी जूल होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, जूल सेकंड को किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और एक सेकंड है ही नीचे किलोग्राम और मीटर पर सेकंड, तो देखो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो गया। अब ये पर सेकंड ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, एक सेकंड पहले से था, एक सेकंड हो जाएगा, तो ये पर ये सेकंड स्क्वायर से पर सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, तो आंसर मीटर में आता है। तो ये याद रखना, ये आंसर मीटर में आया है, ये आ गया 0.366 × 10^-10 मीटर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, हम ये चैप्टर वन में पढ़ चुके हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, 3.66 × 10^-11 मीटर, ये ऐसे हो जाएगा। ऐसे भी ठीक था, यहाँ तक भी ठीक है, पर ये ऐसे रिप्रेजेंट करना ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। डेसिमल से पहले एक डिजिट होनी चाहिए, 3.66। अब हम राइट की तरफ गए हैं, पावर माइनस में हो जाएगी, यानी एक और माइनस हो जाएगा। ये देखो ये छोटी वैल्यू थी, इसको बड़ा किया है, ये छोटी वैल्यू थी इसको बड़ा किया है, तो इसको छोटा करना पड़ेगा, तो 10^-11 मीटर। तो ये आ गई हमारी वेवलेंथ की वैल्यू। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, बिना कैलकुलेटर यूज़ किए भी ऐसी वैल्यूज को कैलकुलेट किया जा सकता है। बस ये एग्जैक्ट तो नहीं आएगा आंसर, पर लगभग हम अप्रोक्सीमेट इतना ले सकते हैं, इतना कुछ नहीं होता न्यूमेरिकल्स में। इनको 9.1 को 9 मान के, 2.05 को 2 मान के ऐसे कैंसिल करके सॉल्व कर सकते हैं। और ये बात जरूर याद रखना, जूल इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड स्क्वेयर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10^-31 किलोग्राम इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 × 10^-25 जूल, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। अब इसमें वेलोसिटी ना गिवन, वेलोसिटी ना देके काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दे दी, तो अब कैसे निकालेंगे, देखो पहले काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी निकालेंगे और फिर इस फॉर्मूला में पुट करके इसकी वेवलेंथ निकालेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, देखो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वेयर, ये भी एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 2.21। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वेयर, तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे, पहले 2 को इधर ले जाएंगे, हो जाएगा ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एम वी स्क्वेयर, फिर एम को भी इधर ले गए, ट्वाइस ऑफ
काइनेटिक एनर्जी बाय एम इक्वल टू वी स्क्वेयर, तो वी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय एम और इसकी पावर हाफ यानी इसका अंडर रूट, ये वैल्यू हो जाएगी। तो वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से, तो पुट करेंगे पहले, वेलोसिटी हो जाएगा ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी यानी 3 × 10^-25 जूल, और मास 9.1 × 10^-31 किलोग्राम, इस तरह से है ये, और इसका अंडर रूट। अब हम मैंने देखा, हमने ये पहले कर चुके, जूल को हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वेयर पर सेकंड स्क्वेयर में, तो ये ऊपर जूल है नीचे किलोग्राम है, तो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा मीटर स्क्वेयर पर सेकंड स्क्वेयर, तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ 3 × 10^-25, ये ऊपर जाएगा प्लस 31 हो जाएगा, और इस 9.1 को 9 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वेयर पर सेकंड स्क्वेयर और इसका अंडर रूट, ये हो गया। तो यहाँ से पर इसको सोल्व कर सकते हैं, हो जाएगा 3 × 3 = 9 यानी 2/3 आया, तो 2/3 क्या होता है, 2/3 होगा 0.66, इस तरह से आएगा, तो हो जाएगा 0.66 × 10^+6 मीटर स्क्वेयर पर सेकंड स्क्वेयर का अंडर रूट। अब 0.66 का जब अंडर रूट करेंगे तो देखो 64 होता है 8 का होता है, यानी 0.64 होता है 0.8 का, तो ये 0.66 है, तो ये इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, इसकी वैल्यू आती है 0.81, 0.66 की वैल्यू आती है अंडर रूट की 0.81, और 10^6 को करेंगे तो ये तो 6/2 हो जाएगा यानी 3 × 10^3, और मीटर का मीटर स्क्वायर का मीटर पर सेकंड स्क्वायर का पर सेकंड, तो अंडर रूट से बाहर आके हम ऐसे लिखेंगे 0.81 × 10^3 मीटर पर सेकंड, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 8.1, अच्छे मतलब डेसिमल से पहले एक डिजिट होनी चाहिए तब वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है लिखना, 8.1, अब डेसिमल इधर गया है, पावर कम हो जाएगी 10^2 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई वेलोसिटी, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, अब हम पुट करके वेवलेंथ की वैल्यू निकाल लेंगे, वेवलेंथ हो जाएगा एच अपॉन मास इंटू वेलोसिटी यानी 6.626 × 10^-34 जूल सेकेंड बाय 9.1 × 10^-31 किलोग्राम इंटू वाई वेलोसिटी आई 8.1 × 10^2 मीटर पर सेकेंड। जब सब कुछ कट करेंगे तो आंसर हमारा मीटर में ही आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आता है 0.089892 × 10^-5 मीटर, ऐसा आंसर आता है। अब इसको हम एंगस्ट्रोम बना सकते हैं, क्योंकि हम पता है 10^-10 को मीटर को हम एंगस्ट्रोम लिख सकते हैं, एंगस्ट्रोम 10^-10 मीटर को एंगस्ट्रोम लिखा जा सकता है, तो हम यहाँ पे हम 5 डिजिट इधर जाएंगे ताकि इसको 10^-10 बना सके, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो इसको लिख सकते हैं 8989.2 × 10^-10 मीटर, ऐसे लिख सकते हैं, और 10^-10 मीटर को एंगस्ट्रोम लिख सकते हैं, तो ये हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 8989.2 एंगस्ट्रोम। तो ये आ गई वेवलेंथ की वैल्यू इस तरह से, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी निकालेंगे, इस फॉर्मूला से वेलोसिटी निकालेंगे, और फिर वेलोसिटी को इस फॉर्मूला में पुट करके हम वेवलेंथ निकाल लेंगे। तो ये हम डी ब्रोगली इक्वेशन के बेसिस पे, दो न्यूमेरिकल थे एनसीईआरटी के, तो यहाँ पे हमारा ये डी ब्रोगली वाला कॉन्सेप्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।